दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंटोनमेंट बोर्ड एकामटी की जो रिक्वायरमेंट है 10वीं बेस पे मिडवाइफ और फीमेल वार्ड सर्वेंट के लिए, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे चल के पूरी, इसका नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। उसका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैरियर विजन के साथ जुड़ के काम करना चाहते तो वो उसके लिए आपको तुरंत हमारे नागपुर ऑफिस एड्रेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों का इंक्वायरी आया था, उसमें कुछ लोगों का हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट बराबर था नहीं। सो इसके लिए आप कैसे कमा सकते हैं, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी आपको दी जाएगी। कैरियर विजन ओनली सेंड यू ऑल द जॉब डिटेल्स, आपको पूरे जॉब डिटेल्स वो देगा, कैरियर के बारे में टिप्स इंफॉर्मेशन आपको देगा, इंटरव्यू टेक्निक्स आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप ये सब करके आप अपने कैंडिडेट से पैसा ले सकते हैं। इनिशियली 2 मंथ्स तक आपको ये पूरा फ्री गाइडेंस दिया जाएगा। यू कैन चार्ज एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशन, आप अपने हिसाब से, आपको जॉब मिलते हैं पूरी डिटेल तो आप अपने कैंडिडेट्स की देखे उसी हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब है जो इस वीडियो में भी नहीं आते, यूट्यूब चैनल पर नहीं आते, वो भी जॉब हम लोग आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे जॉब आते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल पर दे नहीं पाते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। सपोज आपने एक महीने में अगर 5 कैंडिडेट लगा और 5 कैंडिडेट से आपने एक मिनिमम फीस, मतलब 10,000 भी अगर आपने ले भरा है, उनका पेमेंट ज्यादा हो, लेकिन एक आप आधे से भी ले लें उनसे, तो भी आप 5 कैंडिडेट पे 50,000 रुपए एक महीने में कमा सकते हैं, या उससे ज्यादा भी। ज्यादा कैंडिडेट लगा देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा, कुछ कंपनियां भी आपको पेमेंट देती है लगाने के लिए, तो आप अगर कैंडिडेट से नहीं लिए उनसे भी लिए तो भी आपको पेमेंट मिल जाती है। दूसरा ये है कि इसके लिए अगर आपको ये सेंटर चाहिए, मतलब आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, तो ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास 2-3 लोग आए थे कि जिनका ग्रेजुएट भी नहीं था, सो हम लोग उनको नहीं दे रहे वो, और थोड़ा सा आपको छोटा सा स्मॉल ऑफिस होना जरूरी है, और आपको इसके लिए 1 टाइम फीस जो हमने शुरू में बताया 30,000 देना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सेंटर अलॉटमेंट जैसा नागपुर में हमारा ऑलरेडी एक सेंटर है, तो हमको एक ही सेंटर या 1-2 सेंटर हम लोग नागपुर में देने वाले। भंडारा में 1 सेंटर हम लोग देंगे सिर्फ, गोंदिया में सिर्फ 1 सेंटर देंगे, वर्धा में 1 सेंटर, काटोल में 1 सेंटर, और बाकी जगह जहां से भी इंक्वायरी आती है वहां पे सिर्फ एक एक सेंटर ही रहेगा। और उसके पूरे डिटेल ऐसा है कि मान लीजिए नागपुर का हमारा अगर लोकल सेंटर है, अगर आप वर्धा में अगर खोल रहे या भंडारा में खोल रहे, वहां पे अगर कुछ कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है तो आप वो हमारे पास डायरेक्ट भेज सकते हो, नागपुर लोकल ऑफिस से हम लोग उसको लगा सकते हैं। मतलब वहां पे एक पॉइंट कॉन्टेक्ट रहेगा, भंडारा होगा, गोंदिया होगा, गढ़चिरौली हो गया, वर्धा हो गया, काटोल हो गया, वहां से हमारे लोकल सेंटर से आपको जॉब दिए जाएंगे, आपको वो जॉब देके वहां के एरिया के जितने भी लोग हैं उनको ये करना है, बुलाना है आपके पास, और फिर वो नागपुर भेजना है, और वहीं से आपको क्या चार्ज करना है वो उसमें नागपुर का कोई भी आपको उसमें चार्ज नहीं लेगा, नागपुर वाले आपसे चार्ज नहीं लेंगे, वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जो, सॉरी 30,000 जो हमारे साथ काम करने का उसके। तो ये होगी डिटेल, बाकी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि आपको मेल करना है schoolvision11@gmail.com, या फिर आप हमारे नागपुर सेंटर पे जाके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जॉब, और पहला जॉब जो है ये है कर्मचारी चाहिए, और कर्मचारी चाहिए अक्षता में, जिसके लिए सेल्समैन चाहिए, उसके बाद सेल्स वुमन भी चाहिए यहाँ पे, और कैशियर चाहिए। कैशियर का काम ऐसा रहेगा कि उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किस तरह से डीलिंग करते हैं सेल्स की। हेल्पर चाहिए, हेल्पर के लिए थोड़ा सा अगर आपको अनुभव है या फिर आप काम कर सकते हैं हेल्पिंग का, शिफ्ट में अगर आप काम कर सकते हो, आप यहाँ पे 12-13 मार्च को जा सकते हैं 12:30 से 3 बजे तक डायरेक्ट, और IBI Park रामनगर बस स्टॉप के पास गुगुलपेट नागपुर में नंबर दिया है, आप स्क्रीन पे फोन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो रिक्वायरमेंट है फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में है, इसमें चाहिए सेंटर कोऑर्डिनेटर जिसका ग्रेजुएट हुआ है, 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। काउंसलर चाहिए ग्रेजुएट, ट्रेनर चाहिए, 12वीं पास वाले एक्सपीरियंस के साथ में, रिसेप्शनिस्ट चाहिए 12वीं पास, और चपरासी चाहिए 12वीं पास वाले। आपको 14 मार्च को से लेके 19 मार्च तक, आप 12 से लेके 4 बजे तक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एड्रेस है प्लॉट नंबर 310 लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग, 2nd फ्लोर करोड़पति लेन, अपोजिट हिस्लॉप कॉलेज के सिविलेंस नागपुर। info@flyhigh/institute.com में आप रिज्यूम जरूर भेजिए, और जो नंबर दिया 9260334567 पर भी आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरव्यू किस तरह से देना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, अगर जानकारी लेना है तो आप जरूर हमारे लोकल सेंटर्स में जाए विजिट कीजिए, वहां पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, उसका रीजन भी आपको वो बताया जाए। दोस्तों IT पार्क में, सॉरी फन एंड फूड विलेज में जगह निकले IT एग्जीक्यूटिव की, HR एग्जीक्यूटिव की, अकाउंटेंट की, ग्राफिक्स डिजाइनर की, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, स्विमिंग पूल फिटर, ऑपरेटर। फन फूड में जो 35 किलोमीटर है नागपुर से बाजार का रोड पे, वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा 10 से लेकर 6 बजे तक, और टाइमिंग के लिए आप 8080523043 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है ये है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट के लिए शुभ एड्स में,
और इसके लिए 800-776-866 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स के लिए, प्री प्राइमरी इंग्लिश, SST, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर टीचर और म्यूजिक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका 16 मार्च तक आपको अप्लीकेशन जमा करना है 10 से 2 बजे तक, और बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे। बात करेंगे दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये कोराडी में स्कूल आ रहा, कोराडी रोड में CBSE का स्कूल है, जिसके लिए आपको 8788322427 में व्हाट्सअप करना है आपका रिज्यूम। मैथ्स के लिए संस्कृत टीचर, जर्मन लैंग्वेज टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर, DTP ऑपरेटर, बायोकेमिस्ट्री PGD टीचर, हिंदी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और कंप्यूटर टीचर। इंटरव्यू यहाँ पे होगा 14, 15 और 16 मार्च को, जिसके डिटेल जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये है प्री प्राइमरी इंग्लिश टीचर चाहिए, और प्राइमरी के लिए MCOM और जूनियर कॉलेज के लिए भी टीचर चाहिए, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अल अमीन इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, जो है अपोजिट ईदगाह ग्राउंड जाफर नगर नागपुर में। बात करेंगे दोस्तों, कैंडिडेट्स चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए, सूरज आई इंस्टीट्यूट में रिक्वायरमेंट आई है, सूरज आई हॉस्पिटल में। नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों रिसेप्शनिस्ट एंड बैक ऑफिस असिस्टेंट चाहिए फीमेल, यह है प्रतीक्षा हर्बल आयुर्वेदिक कंपनी, और ईमेल आईडी दिया है ganveerenterprises7@gmail.com। बात करेंगे दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, MBA चाहिए, और इसके लिए आपको सूरज आई हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करना है 8007230004 पे। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, होटल कैप्टन, मैनेजर चाहिए, हेल्पर, वेटर चाहिए, कुक चाहिए, इंडियन चाइनीज तंदूर वाला चाहिए, गार्ड चाहिए, सभी के लिए आपको जो नंबर दिया उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं जो आर्मी कामठी में जो जगह निकली उसके बारे में। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकली है छावनी परिषद कार्यालय, मतलब ये निकली है कामठी कंटोनमेंट बोर्ड में, और ये जो रिक्वायरमेंट है इसका 11 अप्रैल तक आपको यहाँ पे रिज्यूम भेजना है, और अप्लीकेशन का ये पूरा डिटेल आपको हमारे ऑफिस में मिल जाएगा। मिडवाइफ के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी है, एक पोस्ट है। फीमेल वार्ड सर्वन के लिए भी एक पोस्ट है, 15,000 से 47,600 सैलरी है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको। असिस्टेंट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट के लिए 12वीं पास, डिप्लोमा चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, बाकी आपको 50% के साथ में पास होना है, बाकी डिटेल जानकारी यहाँ पे। मिड वाइफ के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और ANM का कोर्स चाहिए। अगर आपने ANM कोर्स 10वीं पास किया तो आप मिड वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल वार्ड सर्वेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 10वीं पास चाहिए, और एज अलग अलग है OBC और SC UR और इसी कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 33 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। और उसमें क्या क्या डिटेल रहेगा इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे है, क्योंकि अगर एक एक पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मोड ऑफ अप्लीकेशन किस तरह से करना है, बाय हैंड देना है आपको इंडियन पोस्ट से, या फिर अदर ऑफलाइन मोड पे जमा करना है, और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड का लेटर, ये सब डेट एंड टाइप, और आपको जब फॉर्म भर गए तो उसके साथ में आपको ये सब डिटेल जोड़ना है। और रिटर्न टेस्ट होगा इसका, क्योंकि एक पोस्ट तो ज्यादा अप्लीकेशन आएगा तो रिटर्न टेस्ट होगा, और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई हुई है। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा नागपुर में जो सदर में ऑफिस है आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये फॉर्म भी मिलेगा और ये इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। फॉर्म का यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से फॉर्म है इनका, कंटोनमेंट बोर्ड कामठी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये पूरा फॉर्म भी आपको वहाँ हमारे ऑफिस में मिल जाएगा। आपको जल्द से जल्द जाके जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों देर मत कीजिए, और हमारा ऑफिस का एड्रेस मैं लास्ट में, आप बने रहेंगे वीडियो में तो मैं आपको ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा नागपुर का, जो हमारा एक अभी लोकल ऑफिस वहाँ खुल गया है, आप वहां जाके इसका फॉर्म की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जॉब देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो जॉब है मॉल में बिलिंग काउंटर में चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे हेल्पर की भी जगह है। सवेरे 10 से लेकर 12 तक आप यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एक्सपीरियंस टैली डाटा एंट्री की, टैली ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट आई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है। सभी किसी ने कमेंट किया था कि उनको टैली ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट आई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप hr.arslueka@gmail.com में अप्लाई करें या व्हाट्सएप मेल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको है तो आप ओम अपेक्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रामनगर नागपुर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेल्स गर्ल चाहिए दोस्तों, ऑफिस बॉय चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, ड्राइवर चाहिए और आईटी एक्सपर्ट चाहिए। आपको सावरकर ज्वेलर्स में जाना है, सराफा बाजार मेन रोड अबू मियां जड़ी बूटी वाले के बाजू में शहीद चौक इतवारी नागपुर, या आप यहां पे सावरकर ज्वेलर्स @gmail.com में रिज्यूम भी भेज सकते हैं। दोस्तों ऑफिस बॉय चाहिए, ऑफिस गर्ल, कंप्यूटर ऑपरेटर, यशोदा हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ऑफिस बॉय के लिए या ऑफिस गर्ल के लिए, जो है इंदौरा चौक नियर इंदौरा पोली चौकी कामठी में। बात करें दोस्तों भुट्टीपुरी में मिराज होंडा का शोरूम है और शोरूम के लिए चाहिए टेक्नीशियन, स्पेयर इंचार्ज एवं एडवाइजर चाहिए। आपको इंटरव्यू जाना है 10 से लेकर 2 पर 1 बजे। दोस्तों आपको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म के लिए आप जा सकते हैं इंस्पायर एक्सेलेंस कैबिन नंबर 24 SR बिजनेस सेंटर उत्कर्ष निर्माण बिल्डिंग मंगलवारी बाजार चौक सदर नागपुर में। सदर नागपुर का जो मंगलवारी बाजार चौक है उसके बाजू में उत्कर्ष निर्माण बिल्डिंग है, ध्यान रखना वहां पे आप जाओगे और वहां किससे पूछोगे SR बिजनेस सेंटर कहाँ है तो आपको कोई बता देगा, वहाँ कैबिन नंबर 24 में आपको फॉर्म मिल जाएंगे। टाइमिंग रहेगा उनका जनरली 2 बजे के बाद ही आपको जाना है, 2 से लेकर 4 बजे के बीच में। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, ऐसे जॉब के लिए जरूर लाइक सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।